वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोग्राम गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। इफ इन एनी वे दिस चैनल इज हेल्पिंग यू, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक आवर वीडियोस एंड मेक योर कॉन्ट्रीब्यूशन इन फ्री एजुकेशन मिशन। सी गाइस, इन अगर किसी भी तरीके से गुरु मंत्रा चैनल से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप जानते हैं जितनी भी वीडियोस इस चैनल पर प्रेजेंट हैं दैट आर फ्री ऑफ कॉस्ट, यू कैन वॉच देम, यू कैन लर्न फ्रॉम देम, फाइन। एंड सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने से आप जो है कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे इस फ्री एजुकेशन मिशन में। इन केस यू वॉन्ट टू विजिट द ऑफिशियल पेज ऑफ गुरु मंत्रा, प्लीज विजिट ऑन दिस लिंक। एंड वन मोर थिंग, इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ फीडबैक, सजेशंस, रिव्यूज, प्लीज डू शेयर देम इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन वर्क अकॉर्डिंग टू देम एंड कैन इम्प्रूव आर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द पॉजिटिव फीडबैक्स, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फीडबैक्स। सी गाइस, नीचे जो है तीन एड्रेस दिए हुए हैं। ये मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, इनकेस अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू द एग्जाम प्रिपरेशन और रेलिवेंट टू द टॉपिक, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी हेयर। ये जो है चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, गुरु मंत्रा चैनल का। डायरेक्ट इस लिंक पर जाकर आप जो है चैनल की सारी वीडियोस देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट फर्दर इन फ्यूचर आपके पास नोटिफिकेशन जाए जब कभी भी नई वीडियो अपलोड हो। नेक्स्ट, यहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस भी दिया हुआ है, दैट इज़ www.gurumantra.in। यहाँ पर बहुत सारी फ्री ई बुक्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डोमेन्स की, डिफरेंट टॉपिक्स पर, डिफरेंट मॉड्यूल्स की फॉर लाइफ साइंस एग्जाम्स। इन केस यू आर इन नीड ऑफ दैट, प्लीज़ विजिट दिस साइट एंड इजिली यू कैन डाउनलोड दोज बुक फॉर फ्री इन PDF फॉर्मेट। Hope you are doing good. So guys, today's topic of discussion is M phase. Already जो है हम G1 phase, S phase और G2 phase discuss कर चुके हैं। Make sure आपने ये सारी videos देखी हो, because देखिए we are talking about cell cycle. हम cell cycle के बारे में बात कर रहे हैं and everything is interrelated here. एक के बाद जो दूसरी stage आ रही है, सारा ही sequential पूरा event जो है चल रहा है। जीवन में बेसिकली हमने देखा कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रही है एंड क्या इंपॉर्टेंट रिलेटेड फीचर्स हैं। नाउ वी आर ऑन द लास्ट एंड वेरी सिग्निफिकेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस, जिसमें एक्चुअली जो है सेल डिवाइड करेगा। ऑलराइट, बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, बिलीव इन योरसेल्फ। देखिए, अपने ऊपर बिलीव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप किसी भी तरीके से इन्फीरियर फील करते हो तब चीज़ें गलत होंगी। तो अपने ऊपर बिलीव रखिए कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तभी जो है चीज़ें होंगी। पॉजिटिव वाइब्स रखोगे तभी पॉजिटिविटी भी आएगी। अगर नेगेटिव सोचोगे तो रिजल्ट्स, आउटकम भी आपके सारे नेगेटिव आएंगे। हर चीज़ में अपने ऊपर बिलीव होना ज़रूरी है। केवल बिलीव ही, अगर आपको अपने ऊपर बिलीव है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद पर विश्वास रखो, ठीक है। तो इतने अच्छे कोट को माइंड में रखकर हम क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं आगे की सेल साइकिल को। ऑलराइट, अब देखिए एम स्टेज जो है सेल साइकिल को की, उसको ब्रॉडली जो है मैंने दो पार्ट्स में यहाँ पर लिखा है, इज इक्वल टू कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। क्यों लिखा है ये? बिकॉज एक्चुअली जो एम स्टेज में हो रहा है वही यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। मतलब कि एम स्टेज ऑफ सेल साइकिल में क्या होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ M की बात करें, जैसे हमने S की बात की थी, S stands for synthesis, G1 for gap, G2 for gap 2, like that, यहाँ पर M stands for mitosis। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, और यहाँ पर हम थ्रेड किसके रिगार्ड में बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट स्पिंडल फाइबर्स हियर, फाइन। ओसिस का मतलब होता है स्टेट। सो बेसिकली ये वही स्टेज है जिस स्टेज में या फिर फेस में सेल जो है डिवाइड करेगा। क्या डिवाइड करेगा?
जो उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी है, कॉपी डीएनए और साइटोप्लाज्म, सो दैट एक सेल से दो नए डॉटर सेल्स अराइज कर सके। अब चीजें तो होंगी, दैट इज फाइन, बट स्टिल देयर विल बी सम चेंजेस। सबसे पहला चेंज क्या होगा, न्यूक्लियर एनवेलप ऑफ मोस्ट ऑफ द सेल ब्रेक डाउन। ऑब्वियसली जेनेटिक मटेरियल किसके अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है। अब उस जेनेटिक मटेरियल को बाहर भी निकल कर आना है, क्यों निकल कर आना है, बिकॉज डिविजन करना है, एक सेल से दो सेल में जाना है, फाइन। तो उसके लिए प्रॉपर सेपरेशन होना जरूरी है एंड न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेक डाउन होना भी जरूरी है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन रीऑर्गेनाइज। साइटोस्केलेटन का जो पूरा सिनेरियो है सेल में, दैट विल रीऑर्गेनाइज। अलग अलग ऑर्गेनल्स अपनी अपनी पोजीशंस लेंगे एंड अकॉर्डिंगली जो भी जरूरत है सेल डिवीजन के लिए, वो सब चीजें जो है ऑर्गेनाइज होगी। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं किस हिसाब से क्या डिवाइड हो रहा है, क्या रेप्लीकेट हो रहा है, फाइन। नेक्स्ट इज वॉट, साइटोकाइनेसिस इज द मेन इवेंट इन दिस स्टेज। साइटोकाइनेसिस मेन इवेंट है डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अंत का जो अंत आएगा, बिल्कुल एंड आएगा एम फेज में, वो साइटोकाइनेसिस ही होगा। साइटोकाइनेसिस के बाद ही हम कह सकते हैं कि येस, दीज आर द टू डॉटर सेल्स दैट डू केम फ्रॉम मदर सेल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमने दूसरे स्टेजेस में नहीं पढ़ी थी इज वॉट, डीएनए ऑफ सेल कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स। अभी तक क्या हो रहा था, विजिबल नहीं थे क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन नहीं था, फाइन फाइन क्रोमेटेड फॉर्म में प्रेजेंट था, बट यहाँ से कंडेंसेशन होना शुरू हो जाएगा, कॉम्पैक्टेड फॉर्म में जो है क्रोमोसोम्स दिखाई देंगे। अब माइटोसिस जो है फर्दर फोर सब स्टेजेस में डिवाइड है। देखिए, खुद एक स्टेज है और इसके अंदर भी चार सब स्टेजेस हैं जिसमें अलग अलग फीचर्स जो है हम देखेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, ठीक है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो बहुत जगह ये कहा जाता है कि इट टेक्स प्लेस इन सोमेटिक सेल्स, बट इट डू ऑल्सो टेक प्लेस इन जर्मिनल सेल्स ड्यूरिंग मल्टीप्लीकेशन। जर्मिनल सेल्स का मतलब समझते हैं, जो गैमेट्स को जो है जो गैमेट्स को लेकर आते हैं, स्पर्म्स, एग, उस दौरान भी क्या है, मियोसिस का प्रोसेस होता है, बट स्टिल मल्टीप्लीकेशन जरूरी है, ग्रोथ जरूरी है, डिविजन जरूरी है, उस दौरान माइटोसिस भी प्रेजेंट होता है। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेटोरियल और इक्वेशनल, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे पर्टिकुलरली, इक्वेशनल मतलब इक्वल इक्वल कंटेंट जब बढ़ता है दो डॉटर सेल्स में, इसी वजह से माइटोसिस को इक्वेशनल डिविजन भी कहा जाता है। ये देखिए, यहाँ बहुत अच्छा डायग्राम जो है डिपिक्ट किया गया है रिलेटेड टू माइटोसिस। इंटरफेस तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंटरफेस में क्या क्या आया, G1 आया, S फेस आया और G2 फेस आया। नाउ वी विल कंसिडर दीज फोर सब स्टेजेस और अंत में हम साइटोकाइनेसिस देखेंगे एंड देखेंगे किस तरीके से जो है दो डॉटर सेल्स अराइज हो गए। डायग्राम भी हमेशा अपने आप में बहुत कुछ डिपेक्ट करता है। आप देखिए, अलग अलग पूरा साइटोस्केलेटन जो है ऑर्गेनाइज हो चुका है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस हिसाब से अलाइन हो रहे हैं, इस हिसाब से सेपरेट हो रहे हैं, टेलोफेज पर आ गए, बिल्कुल अंत की स्टेज पर आ गए एंड फाइनली साइटोकाइनेसिस हो गया। साइटोकाइनेसिस के बाद जो दो सेल्स आए, डॉटर सेल्स आए, एग्जैक्टली दे आर लाइक देयर मदर सेल, देख रहे हैं, सब कुछ जो है एग्जैक्टली, न्यूक्लियस भी, क्रोमोसोम्स भी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही कॉपी जो है प्रेजेंट है, एक से दो बन गए, फाइन। एंड यहाँ जो आप ब्रैकेट में कुछ टर्म्स लिखी हुई देख सकते हैं, 4C2N, 4C2N, 2C2N, ये सब क्या है, ये डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर को यहाँ दिखाया गया है। एक्सक्यूज मी, इसके ऊपर जो है हम एक सेपरेट वीडियो करेंगे, बट अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि किस हिसाब से जो है सीक्वेंशली चीज़ें चल रही हैं। देखिए, अब एम फेस में किस तरीके से क्रोमोसोम्स हैं, इंटरफेस हमारा खत्म हो चुका है, अब हम एम फेस में एंटर कर चुके हैं। एम फेस की पहली स्टेज यहाँ पर प्रोफेस यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मेटाफेस, एनाफेस, कॉम्पैक्टेशन, कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ईजिली जो है हम क्रोमोसोम को विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स, स्टेनिंग डाइज
देख सकते हैं, उनके अलग अलग शेप्स देख सकते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ सेंट्रोमियर पोजिशन। ठीक है, सेंट्रोमियर कभी सेंटर में होता है, कभी अपर पार्ट में होता है, उस हिसाब से टेलोसेंट्रिक एक्रोस अलग अलग शेप्स होती हैं क्रोमोसोम्स की। सो क्रोमोसोम्स की बेस्ट शेप जो है दैट इज बेसिकली विजुलाइज इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस। ये चीज़ आप याद रखना, एंड ये सभी मैंने सारे वीडियोस में एक एक करके आपको सब चीज़ें बताई है कि किस हिसाब से जो है कंडेंसेशन है या अनकंडेंस्ड है, क्रोमेटिन है या फिर क्रोमोसोम है, विजिबल है या फिर नहीं है। यू हैव टू रिमेम्बर ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऑलराइट गाइस, ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन था माइटोसिस के बारे में कि क्या क्या इंक्लूड करता है और क्या क्या उसमें एक्चुअली होने वाला है। वी विल डिस्कस ऑल द सब स्टेजेस इन डिटेल वन बाय वन, सो दैट अगर उनसे रेलेवेंट क्वेश्चंस आए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या कुछ सीखने को आपको मिल रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं, रिव्यूज़ भी दे सकते हैं दैट वेदर दीज वीडियोज आर हेल्पिंग यू और नॉट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thanks for watching our video. To subscribe on our channel, please press the subscribe button given below the video. And for regular updates and notification, don't forget to press the bell icon. For more information and query, do like my Facebook page and the link is given below. Thank you so much, guys. God bless you. Bye-bye. Take care.